अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर क्या है? दीज आर सेट्स हैं, सेट्स हैं, यानी एक सेट है किसका? न्यूमेरिकल वैल्यूज का, जो डिस्क्राइब करता है किसको? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन या करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो है वो, यानी क्वांटम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट कम्प्लीटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी करेक्टरिस्टिक, जैसे इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के गिर्द किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, यानी इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो क्वांटम नंबर्स हैं। चार जो है वो क्वांटम नंबर हैं जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सबसे पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सेकंड कौन सा है? ज़िम्थल क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। फोर्थ वन पे है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसा कि बोहर्स मॉडल में हमने कहा था कि बोहर्स मॉडल जिसने पेश किया था, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स। वो ऑर्बिट्स क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं। सो जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल दैट वॉज प्रजेंटेड बाई बोहर, दे आर दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ही इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। जो है वो, यानी जो ऑर्बिट्स हैं उनको क्या कहेंगे? एन जो है वो कहेंगे, और एन की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो से जो है वो इंफिनिटी तक होती है और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यानी वन से जो है वो इंफिनिटी तक हो सकती है। जो डिफरेंट बार्स जिनको आपने कहा था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, डिफरेंट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे मूव करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है वो, यानी फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट है, यहाँ पे जो है वो हमने कहा न्यूमेरिकल वैल्यूज है, लेकिन जो है वो बोहर ने इनको क्या कहा था कि जो फर्स्ट शेल है वो के शेल है, सेकंड जो है वो क्या है? एल है। थर्ड कौन सा है? एन है, एम है, और फोर्थ कौन सा है? एन, यानी इस तरह से के एल एम एन रिप्रेजेंट द बोहर्स ऑर्बिट। जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट को उसने क्या कहा? दिस इज के शेल। एंड सेकंड को क्या कहा? एल शेल। थर्ड को क्या कहा? एम। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में उसको फर्स्ट शेल को आप क्या कह रहे हैं? वन, ठीक है। सेकंड रिप्रेजेंट करेगा दूसरे शेल को एन की, यानी जब एन की वैल्यू टू होगी तो उसका मतलब होगा सेकंड शेल जो है वो, ठीक है, यानी एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? शेल या एनर्जी लेवल को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं। और जो है वो शेल या एन से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका एटम का साइज कितना होगा, ठीक है। जो है वो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना जो है वो एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी देखें जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जितना बिगर साइज एटम होगा उतना ही जो है वो, ये बिगर साइज एटम का मतलब है जिनमें एन की वैल्यूज ज़्यादा होंगी, यानी ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल, डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है, ये अगर कंसीडर करें न्यूक्लियस, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है। तो इसका मतलब है, ये क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बताता है, या साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है जो है वो, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल का या एटम का जो है वो साइज क्या होगा, ठीक है। जो है वो, यानी उस, ये एक्चुअली जो है वो, ये क्या बताता है? डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बताता है। बोहर्स में हमने फाइंड आउट किया था कि, बोहर्स ने ये फाइंड आउट किया था कि अगर इस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी,
जब हमें पता है कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी मैं कहती हूँ फिफ्थ शेल में, तो उसका मतलब है आप फिफ्थ शेल में बोहर फार्मूले के मुताबिक गैप फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन रिप्रेजेंट करता है किसको, जो है वो शेल को, कि इस एटम में कितने शेल जो है वो होंगे, या साइज ऑफ एटम को बताता है, या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है, या ये एन जो है वो क्या है, एनर्जी लेवल है, या इलेक्ट्रॉन का लेवल है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। नेक्स्ट है सिंपल क्वांटम नंबर एल। हमने पढ़ा था बोहर्स के डिफेक्ट्स में कि बोहर्स फेल टू एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन व्हेन, यानी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी किया गया तो क्या हुआ कि उसकी जो लाइन्स थी वो स्प्लिट हो गई मजीद लाइन्स में, उस स्पेक्ट्रम को क्या कहा गया, फाइन स्पेक्ट्रम कहा गया। अब वो जो फाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ था उसको बोहर्स एक्सप्लेन नहीं कर सका था, क्योंकि बोहर्स ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द डेफिनेट जो है वो ऑर्बिट्स में काम करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब जो है वो उसने ये नहीं कहा था कि इन ऑर्बिट्स के मजीद लेवल्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स को उसने शेल्स कहा था, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। अब यहाँ पे जो है वो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अनदर क्वांटम नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज अजिम्थल क्वांटम नंबर। अजिम्थल यानी जो वो जो फाइन स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर जो फाइन स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है वो क्यों ऑब्टेन होता है, इसलिए कि जो शेल है वो मजीद जो है वो क्या होता है, ईच शेल इज डिवाइडेड इन टू फर्दर सब लेवल्स, जिनको क्या कहा गया, सब शेल्स कहा गया, क्या कहा गया, सब शेल्स कहा गया। यानी आपके पास ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। अब ये जो शेल है इसमें मजीद जो है वो क्या है, ये इस तरह से जो है वो सब शेल्स हैं, ये जैसे ये है, ये है, ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड। लेकिन ये शेल शेल टू डिफरेंस है और ये सब शेल्स का आपस में डिफरेंस है, ठीक है, जो है वो, यानी इसका मतलब है ई शेल इज डिवाइडेड फर्दर इनटू सब लेवल्स या सब शेल्स जो है वो। सो जो है वो फाइन स्पेक्ट्रम क्यों ऑब्टेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट करेगा, यहाँ से यहाँ एक्साइट करेगा, यहाँ से यहाँ एक्साइट करेगा, तो क्लोजली जो स्पेस्ड है लाइंस ऑब्टेन होंगी, क्लोजली लाइन स्पेस ऑब्टेन होंगी। तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उस वक्त वो इस फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो अजिम्थल क्वांटम नंबर ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। यानी इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनदर क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज नोन एज अजिम्थल क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है, जो है वो। और एल जो है वो क्या होता है, एल कहाँ से आता है, एन से ही आता है, एन में से वन माइनस कर दे तो क्या है वो L की वैल्यू होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर n 1 है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट शेल के लिए जो L की वैल्यू है, जो पहला शेल है उसके L की वैल्यू क्या है, 0 है। n क्योंकि फर्स्ट शेल का मतलब है n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका फार्मूला है n माइनस 1 l इज इक्वल टू, यानी l इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, l की वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए 0 है, इसका मतलब है देयर इज नो फर्दर जो है वो सब शेल्स हियर, ओनली वन सब शेल दैट इज s सब शेल, यानी l की वैल्यू 0 किसके लिए है, s सब शेल के लिए है, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो किसके लिए होगी, S के लिए होगी। इसका मतलब ये है कि इस शेल में सिर्फ S सब शेल है, देर आर 4 जो है वो सब शेल्स हैं। S जो है वो स्टैंड करता है फॉर शॉप, एंड P जो है वो स्टैंड करता है किससे, जो है वो प्रिंसिपल, और D जो है वो एस पी डी एफ, जिनको आप बोलते हैं, जिनको ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, एस पी डी एफ जो है वो S
कहाँ से निकला, शार्प से, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ जो है वो क्या है, फंडामेंटल। ठीक है, ये है चार जो है वो सब शेल्स हैं। तो फर्स्ट शेल के साथ क्या है, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है वहां पे क्या होगा, किस एल की वैल्यू जीरो किसके लिए है, एस के लिए है। ठीक है, जब एन की वैल्यू टू होगी, यानी एम सेकेंड जो शेल है वहां पे एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, एन माइनस वन, यानी अगर शेल नंबर टू है तो एल क्या होगा, वन, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ये है कि एल की वैल्यू जीरो से लेके, यानी जीरो से लेके अप्रोच कहाँ तक करती है, एन माइनस वन, एन माइनस वन किसी भी शेल के लिए, जीरो से लेके, यानी जीरो तो होगी ही, जीरो होगी, और जो है वो, यानी एल जब वन आता है तो इसका मतलब है जीरो से लेके कहाँ तक जाएगी, वन तक जाएगी। और वन जो है वो किसके लिए होती है, यानी वन, ये जीरो वैल्यू किसके लिए है, किस सब शेल के लिए, एस के लिए, और वन किसके लिए है, पी के लिए है। इसका मतलब है जो दूसरा शेल है जहाँ पे एन की वैल्यू टू थी, वहां उसके साथ दो सब शेल्स होंगे, एक एस होगा और एक पी होगा। ठीक है, इसी तरह थ्री के लिए, जब यहाँ थ्री होगा, एन की वैल्यू थ्री होगी, थ्री माइनस वन टू, यानी जो एल की वैल्यू है वो जीरो से लेके जो है वो कहाँ तक होगी, टू तक होगी, जीरो वन टू, जीरो एस के लिए, वन जो है वो किसके लिए, पी के लिए, और टू जो है वो किसके लिए है, डी के लिए है। ठीक है, जो है वो, यानी चार सब शेल्स हैं एस पी डी एफ, जो किसके साथ एसोसिएट होते हैं, शेल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। और जो एल की वैल्यू है वो जीरो से लेके कहाँ तक अप्रोच करती है, यानी एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती थी, लेकिन एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, और वो अप्रोच कहाँ पे करती है, जीरो से लेके एन माइनस वन तक जो है वो अप्रोच करती है। हाँ जी, ये देखिए जो है वो एल की वैल्यू जीरो है किसके लिए है, एस एफ शेल के लिए है, और उसकी शेप क्या आती है, स्फेरिकल होती है। एल की जो है वो वन है वो पी के लिए है और डम्बल शेप होती है, और एल की वैल्यू टू है डी के लिए होती है और कॉम्प्लिकेटेड इसकी शेप होती है। नेक्स्ट है ये देखें कि अगर जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया गया, अगर एन की वैल्यू वन होगी तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। हमने कहा n l इज इक्वल टू n माइनस वन, तो ये क्या होगा, जीरो, यानी अप्रोच करेगी जीरो टू n माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस वन जो है वो जीरो तो हो ही गई ना, तो n माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, तो इसका मतलब जीरो ही होगी उसकी। ठीक है, l के लिए जो है वो दूसरे के लिए जब n टू होगा तो जीरो होगी, और n माइनस वन जीरो से लेके n माइनस वन तक है ना, ये जीरो तो होगी जीरो से लेके n माइनस वन, n माइनस वन यहाँ पे कितना आएगा, टू माइनस वन वन, यानी जीरो और वन दो वैल्यूज होंगी, जीरो किसके लिए, एस के लिए और पी के लिए वन। इसका मतलब है इसके साथ दो सब शेल्स हैं, एम के लिए जो है वो तीन सब शेल्स हैं, एन के लिए चार सब शेल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे पता चलेंगे इन सब शेल में कि कितने इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे, वो किस फार्मूले से पता चलते हैं, वो इस फार्मूले से पता चलते हैं। ये फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का, किस में, एस पी डी में, एफ में, टू इंटू टू एल प्लस वन। हमने ये याद रखना है, एस के लिए जो एल की वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, और P के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, वन है, और जो है वो D के लिए जो है वो वैल्यू क्या है, टू है, और F के लिए वैल्यू जो है वो क्या है, थ्री है। ठीक है, जो है वो अगर यहाँ पे ये देखें कि इस फार्मूले में L की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे L की जगह, यानी जो है अगर आप S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो S के लिए L की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, टू इंटू टू इंटू जीरो प्लस वन, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस वन, वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल किसके इक्वल होंगे, टू के इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो जब एल की वैल्यू वन होगी तो ये क्या हो जाएगा, टू वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री टू सिक्स। इसका मतलब है पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिक्स। इस तरह डी में और इसी तरह जो है वो एफ में इस फार्मूले के मुताबिक फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, एन पढ़ा और एल पढ़ा, ठीक है। एन जो है वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वन से इंफिनिटी तक होती है, और एल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से जो है वो एन माइनस वन तक जो है वो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, नेक्स्ट है एम जो है वो, अब हमने पढ़ा था बोहर्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये उसी का सोल्यूशन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसमें जो स्प्लिटिंग है वो क्यों होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अनदर क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसकी वैल्यू एम की वैल्यू जो है वो हम एल से फाइंड आउट करते हैं, एम से फाइंड आउट करते हैं। अब जो है वो एम से कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं, यानी जो है एल से कैसे फाइंड आउट करते हैं, टू जो है वो इसका फार्मूला है टू एल m is equal to m is equal to two l plus one, ठीक है। जो है वो यानी अगर जीरो है जो है वो एल की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा वन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वन जो है वो जीरो प्लस वन यानी एक ओरिएंटेड। ये एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन यानी नंबर ऑफ जो है वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अलाइनमेंट्स जो है वो बताएगा अलोंग थ्री एक्सिस, यानी ये किस तरह से जो है वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है, स्पेस में ओरिएंटेड होता है अलोंग थ्री एक्सिस। तो अगर जो है वो m l की वैल्यू जीरो किसके लिए, s के लिए, तो वहां पे m की वैल्यू क्या होगी वन होगी, वहां पे m की वैल्यू जो है वो क्या होगी वन होगी। तो अब क्या है m की वैल्यू वन का मतलब है देर इज ओनली वन ओरिएंटेशन, वन ओरिएंटेशन यानी ये एक ही इसकी ओरिएंटेशन है, किसकी, एस सबशेल की। पी के लिए एल की वैल्यू जो है वो क्या होती है वन, तो टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू एम, एम जो है वो क्या होगा थ्री होगा, किसके लिए पी के लिए जो है वो, इसका मतलब है इसकी तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन है, तीन डिफरेंट एक्सिस यानी तीन स्पेस ओरिएंटेशन है अलोंग थ्री एक्सिस, यानी तीन तरीके से ये स्पेस में अरेंज हो सकता है। एस जो है वो उसका क्या है, इसकी ओनली यानी अरेंजमेंट अलोंग थ्री एक्सिस एक ही है, जबकि पी की जो है वो पी में एम की वैल्यू कितनी आ रही है तीन, यानी मैग्नेटिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताता है, नंबर ऑफ अलाइन बताता है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन जो किसी सबशेल की होती है, ठीक है, जो है वो तीन एक्सिस में, थ्री डिफरेंट एक्सिस में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगा तो तीनों जो है वो ये जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, डीजनरेट होंगे। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, इक्वल एनर्जी के, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट अपने आप को डिफरेंट वेज में क्या कर लेंगे, ओरिएंटेट कर लेंगे, ठीक है। जो है वो अब एल की वैल्यू टू है डी के लिए, तो वहां पे जो है वो एम कितना होगा, यहाँ पे जो है वो आप अगर टू रखे टू टू फोर हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव ओरिएंटेशन है। इसी तरह जो एफ के लिए है, अगर थ्री है वैल्यूज, ये इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इंडिकेट किया हुआ है कि इस जीरो, एम की वैल्यू जीरो होगी का मतलब क्या है, ओनली वन ओरिएंटेशन, यहाँ पे एम जीरो से लेके जो है वो प्लस वन माइनस वन, यानी इसकी तीन वैल्यूज होंगी, प्लस वन माइनस वन, जीरो प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, पांच ओरिएंटेशन, जीरो प्लस वन माइनस, इसकी जो है वो सेवन जो है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे देखें पी, यहाँ पे क्या है, पी सबशेल है थ्री डिजनरेट ऑर्बिटल, थ्री डिजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है,
तीन उसमें इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, तीन इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे फाइव इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे सेवन इक्वल एनर्जी के क्या है ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब एस की जो है वो क्या होती है, ए की ओरिएंटेशन, ए की ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। जो है वो अब इसमें यानी जो फाइंडिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट सेम है, या इसको कह लें कि ये सिमेट्रिकल है। पी जो है वो जो पी सैंपल है उसके तीन डिफरेंट ओरिएशन है, यानी एक्स एक्सिस में अलाइन है, एक वाई एक्सिस में और एक जी एक्सिस में। तो जो एक्स एक्सिस पे है उसको पी एक्स कहेंगे, जो पी वाई एक्सिस पे है उसको पी वाई कहेंगे, और जो जेड एक्सिस पे अलाइन है उसको पी जी कहेंगे। और इसकी डम्बल शेप होती है, यानी ये पी ऑर्बिटल है, ये पी जो है वो ऑर्बिटल है। अब इसकी जो है वो क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या कहती हूँ, एक्स कहती हूँ, और इस एक्सिस को क्या कहती हूँ, वाई कहती हूँ। पी एक्स का मतलब है जो पी ऑर्बिटल है वो ये है, ठीक है। पी वाई का मतलब है ये पी और वाई है, और पी जी का मतलब है ये क्या है, जो जी प्लेन में होगा वो क्या होगा, पी जी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। जो है वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इन तीनों की एनर्जी एक होगी, और उनको क्या कहेंगे, ट्रिपली टी जनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी शेल की फाइव ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। जो है वो और कौन कौन सी ओरिएंटेशन होती है, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जी, डी एक्स टू माइनस, ये देखिए जो है वो ये लिखी हुई है, ये देखिए जो है वो एक्स वाई, वाई जी, एक्स जी, एक्स टू वाई टू, डी जी स्क्वायर, ठीक है। जो है वो इसी तरह एफ शेप शेल के लिए सेवन डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप पेपर पे जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी जो एन है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स कितने, यानी कि शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो अजीमथल क्वांटम नंबर है वो किस क्या बताता है, किस शब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है कि वो सब शेल किस तरह से ओरिएंटेड है, किस तरह से अलाइंड है स्पेस में, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट है। यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो अरेंजमेंट बताता है इन सब शेल्स की, कहाँ पे, स्पेस में, अलोंग थ्री एक्सिस, एक्स एंड वाई जी एक्सिस में वो किस तरह से अरेंज करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन का मतलब होता है सेल्फ रोटेशन, ठीक है। जो है वो तो ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, जो सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करता है। फिर जब आप जो है वो जो अल्कली मेटल्स हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं, वो जब उनके एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को आप स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, कि जब आप उसको हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उनके जो अल्कली मेटल्स में क्या होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब उनका एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल में, जो जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वो ग्राउंड स्टेट होती है, और जिधर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल को क्या कहा जाता है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं। अब वो उस एनर्जी को जब हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी किया गया तो वहां पे देखा गया कि ईच लाइन इज फर्दर सेपरेटेड इनटू टू लाइंस, जो है वो, या आप इसको कह लेंगे डबलेट लाइन, डबलेट लाइन इन मीन जो है वो ये क्या थी, जो डबलेट का मतलब क्या होता है, दीज आर, यानी डबलेट है कि ये इस तरह से होती है ये डबलेट, और जो फाइन स्ट्रक्चर था उसमें क्या ऑब्टेन हुई थी, वो इस तरह से जो है वो, यानी ये क्लोजली स्पेस्ड है, फाइन स्ट्रक्चर में जो ये लाइंस ऑब्टेन होती है वो क्लोजली स्पेस्ड। डबलेट का मतलब है कि इनमें थोड़ा सा गैप है, इनमें थोड़ा सा गैप है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि डबलेट जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है वो क्यों ऑब्टेन होता है,
उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, जो है वो यानी क्वांटम नंबर न्यूमेरिकल फिगर दैट डिस्क्राइब द सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट डिस्क्राइब सेल्फ रोटेशन ऑफ। अब जो है वो 1925 में गॉड स्मिथ बैंक ने जो है वो ये सजेस्ट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे सूरज के गिर्द सितारे मूव करते हैं, जमीन मूव करती है, जमीन अपनी एक्सिस के गिर्द में मूव करती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के गिर्द में मूव करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जो अपनी एक्सिस के गिर्द मूवमेंट है उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ रोटेशन कहा जाता है। अब ये दो डायरेक्शन में होती है, एक क्लॉक वाइज और एक क्या होती है, एंटी क्लॉक वाइज जो है वो होती है। और ड्यू टू सेल्फ रोटेशन क्या होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है ये जब हम कोई बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसको क्या करता है, अपोज कर जो है वो करता है, ठीक है, जो है वो इस वजह से क्या होती है, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है। तो ये फोर सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेम नहीं हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो सेम नहीं हो सकते। जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी अगर सारे क्वांटम नंबर सेम होंगे लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन में, सपोज जो है वो हाइड्रोजन में ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने इसके लिए ये किस शेल में होता है, फर्स्ट शेल में, यानी यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 होगी, और l की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, n-1 0 होगी, और m की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, जो है वो यानी 1 होगी। और यहाँ पे स्पिन जो है वो स्पिन की वैल्यू उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन नंबर जो है वो क्वांटम नंबर को जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको, क्लॉकवाइज मूवमेंट को, क्लॉकवाइज सेल्फ रोटेशन को +1/2 या +1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और -1/2 ये एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करते हैं, -1 से या -1/2 से, ठीक है। अब जो है वो ये इसकी जो है वो जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 1/2 जो है वो हो सकती है। अगर अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, यहाँ उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1, l की वैल्यू क्या होगी, 0, m की वैल्यू भी क्या होगी, 1 है, तो जो है वो वही शेल ना, शेल से ही आपने बाकी वैल्यूज करनी है। अब जो है वो लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है प्लस, तो ये किस में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, -1/2 जो है वो, यानी इसकी क्या स्पिन क्वांटम नंबर, एक का +1/2 होगा और एक का -1। इस वजह से हम कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सेम क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उनका जो डिफरेंट होगा क्वांटम नंबर वो कौन सा होगा, एक वो स्पिन क्वांटम नंबर होगा। यानी कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है सेम ऑर्बिट में जिसके जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं या क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं वो क्या हो, सेम हो।